बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। हाँ जी, मैं भी खैरियत से हूँ। आपको नजर आ रही होगा कि ये रेल की पटरी है। नहीं। वाह भाई वाह। और इस साइड पे ये जा रही है सारी फौज। अच्छा, आपको नजर आ रही होगी, ये देखो ये भतीजे इकट्ठे हैं, भांजे इकट्ठे हैं, सारे हुए हैं और हम आए हैं रक्षे पे। तो रक्षा इस साइड से क्रॉस करके आ रहे हैं आगे से, तो मैं रुकी हूँ यहाँ पे। ये पुरानी पटड़ी पड़ी है और ये नई पटड़ी पड़ी है। अगर ट्रेन ने ब्रेक करना हो तो ये साइड वाली पटड़ी पड़ी है पुरानी, ये जो पड़ी है ना ये रवा है। तो मैं इधर से गुजर रही हूँ, ये यहाँ से पे ना सारा धुआंधार है और आगे ही पुल पड़ी है। पुल में जाके अगर आपको दिखाती तो बहुत मज़ेदार हम व्यू आता और बहुत ही मज़ा आता। अब मैं यहाँ से गुजर रही हूँ, बच्चे चले गए हैं आगे, तो मैं इधर से गुजर रही हूँ। यकीन करें कि यहाँ पे आने पे ना, इस जगह पे आने पे मुझे बहुत ही मज़ा आता है। वो क्योंकि आपको पता है कि नीचे देख रहे हो ना, ये सारी जगह देखो, सुकून माहौल, सारा आना जाना इधर रश लगा हुआ है। यहाँ कभी भी आने जाने का रास्ता, इस साइड पे भी बस सेब, मसलन बस्ती बनी हुई है, इस साइड पे भी काफ़ी बस सेब है। और क्या कहते हैं, आपको मैं क्या बोलूँ, यही बोल सकती हूँ कि भाई आबादी है इस साइड पे। अब मैं देखो रोड से काफ़ी नीचे आ गई हूँ, देखो पीछे में ऐसा ऐसा चल के यहाँ आ गई हूँ। ये जगह, ये सफ़ेदे लगे हुए हैं और छाँव बहुत मज़ेदार है, हवाई हवा है। और ये ऊपर ना ये दरिया का बन बना हुआ है, जैसे वो बन देते हैं किनारा सा बना हुआ था ऊपर ऊपर ऊपर, भाई नीचे पानी इस साइड पे, शहर वाली साइड पे पानी का ख़तरा ना हो। तो ये अब मैं बन पे चढ़ रही हूँ, ये देखो ये बन है, ये बच्चे खड़े हैं और ओए होए थकावट हो रही है। ये इधर ना लोगों ने आग लगाई हुई है, आग, ये ना इधर गंद खराब था, आग लगाई हुई है कि जगह साफ़ हो जाएगी। इस सारी जगह पे पत्ते वगैरह पड़े हुए थे और पता नहीं ये आगे क्या चीज़ है, प्लेटें लगी हुई हैं। हाँ, प्लेटें लगी हुई हैं। ओए इतना गहरा और इतनी गहरी ऊंची जगह पे मैं खड़ी हूँ और ये आपको देख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं ना। इस टाइम मैं छाँव में रुकी हुई हूँ और पता नहीं रक्षे वाला हमारा कहाँ गायब हो गया है। अब मैं इधर छाँव पे हूँ रुकी हुई और इधर मैं हूँ, उधर बच्चे हैं और उस साइड पे रक्षा है। जब रक्षा आएगा तो रक्षे पे बैठेंगे, फिर आपको दिखाएंगे आगे के जाके। मैंने आपको माहौल भी दिखाना है और काफ़ी मज़ा आना है। ठंडी ठंडी इधर हवा लग रही है और मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे ना चारपाई बिछा के मैं सो जाऊँ। ओए होए होए, बहुत ही हवा है मज़ेदार, ठंडी ठंडी। फौज इधर खड़ी हुई है, फौज खैर से। हेलो गाइस, कैसे हो? ओहो बड़ी शौकी मारते हो। हेलो गाइस, कैसे हो? देख रहे हो ना शौकी, ये बच्चा पाल्टी आ जाई है गंज पतील। फिर उसके बाद पे आपको मैं मिलती हूँ, आपको मिलती हूँ मैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जैसे मेरा रक्षे वाला आएगा तो रक्षा भी दिखाऊंगी, एंट्री रक्षे की कैसे होती है। हाँ जी गाइस, सब इकट्ठे हो गए हैं, हमारा रक्षा आ चुका है। ये पढ़ पढ़ के मारा, पढ़ पढ़ के मारा, ये लेके आए हैं रक्षा। ये राशिद ने चलाया हुआ है रक्षा। अब हम इधर आ गए हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से ये रक्षा लेके आए हैं। आओ वो थैला भी उतारो और उसके बाद ये बैग भी लेके आ रहे हैं बच्चे। अब हम और एक वो देखो वो गिर गई। गाइस अब हम सारे इकट्ठे हो चुके हैं, रक्षा लाइन क्रॉस करके आ चुके हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, ये ड्राइवर साहब बैठा है और ये जैसे आप है वैसे भी मुर्दा रक्षा लेके आया। और मारो हमको, मारो, तंग आ गए हैं। मैंने कहा ये रक्षा लाइन क्रॉस नहीं होगा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। हाँ जाए जाए। और दूसरी बात ये है, मैंने कहा पता नहीं ये क्रॉस कैसे करेंगे, पता नहीं कहाँ से घुमा घुमा के लेके आए हैं। अब हम बैठ रहे हैं, जा रहे हैं भूतिया बंगला। जैसे हम पहुंचेंगे भूतिया बंगले में आपको दिखाएंगे, आपको सारा व्यू दिखाएंगे। रहना हमारे साथ, होते रहना। पर पड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भीड़। लोरी रक्षा, लोरी रक्षा, वाह 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 वाह, लोरी रक्षा। अब हम जा रहे हैं नीचे नीचे, हमारे साथ आपने रहना, जुड़े। रविवार इस टाइम मैं खड़ी हूँ दरिया के बीचों बीच। कहने का मतलब है जब सैलाब आता है ना, और ये सारी साइटों पे आप देख रहे हो ना, ये सारी यहाँ पे पानी पानी होता है।
इस टाइम मैं इधर हूँ लेकिन इधर फसलें हुई पड़ी हैं। कहने का मतलब है ये जिसे बकरीद पे जो बकरे और गायें बकरियां वगैरह ये जो झंझड़ खाती थी ना, इस घास का नाम है, चारे का नाम है झंझड़। तो ये वो है और ये साथ ही तुरियाँ लगी हुई हैं। ये हमारा रक्षा है जिस पे हम आए हैं और सारी फौज आगे जा रही है, टूवल चल रही है, आज हो रहा है रहन आ जाओ। तो मैं उधर जा रही हूँ, टूवल पे नहाना है, थक गए हैं गाइस पैदल सफ़र कर करके, सॉरी रक्षा पे भी कर करके थक गए हैं। और साथ ये पुरानी पटरी पड़ी है, तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पड़ी है ये पटरी, यहाँ पे ये बंद है। जैसे मैं जाऊँगी आपको दिखाऊँगी, यहाँ पे भूत बंगला है और भूतिया बंगला कहते हैं, भूत बंगला। ये पहले स्टेशन था, यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती थी, लेकिन कोई कहते हैं वाक्या हुआ था, कोई मसला हुआ था यहाँ पे ना, ट्रेन की ट्रेन ना उलट पुलट हो गई थी, कोई नुकसान हो गया था, काफ़ी नुकसान हो गया था, सैलाब आया था और सुनने में ये आया है। और इधर आए हैं तो आगे जा रहे हैं हम टूवल पे नहाने के लिए, बच्चे टूवल में घुस गए हैं, मज़े कर रहे हैं और मेरी छोटी हुरैन साथ है। हुरैन इधर देखो, इसके मुंह में फिटर है, बाय बाय करो, बाय बाय करो, इधर बाय बाय करो, कहती मैंने नहीं करना बाय बाय। उसने मेरी उंगली पकड़ी हुई है और मैं यहाँ से जा रही हूँ पैदल। तो जैसे भी चलते हैं ना, आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सारी तोरियों की फसल पड़ी है, तोरियाँ कद्दू और करेले और क्या कहते हैं, टिंडे वगैरह। और साथ ही इधर गेगड़ा लगा हुआ है, झोपड़ा लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है, जो चीज़ भी आप बुला सकते हो, जिसको भी समझ आ गई हो, ये वो ही लगा हुआ है। और मैं आपको दिखा सकती हूँ, गर्मी इतनी है कि शदीद गर्मी है। ये दरिया के बीचों बीच ये टूवल लगी हुई है, टूवल लगी हुई है बीच दरिया के बीचों बीच। ये किसका पड़ा बटुआ? अच्छा चलो ठीक है गाइस, अब मैं इधर बना रही हूँ वीडियो, मैं आपको मिलती हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ हाँ ये देखो इधर माहौल, मस्त माहौल, मिठे चौल। ये प्लेटें लगी हुई हैं, सोलर प्लेटों पे चल रही है और सोलर प्लेटों के नीचे ये पक्का बेल्ट लगा हुआ है, ये नीचे टूवल चल रही है और ये ट्राली लगी हुई है, शाम को आते हैं ट्राली ले जाते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं है, बच्चे बैठे हैं, मुझे लगता है यहीं के मालिक हैं। आप इधर के मालिक हो? आप इधर के मालिक हो? ये आपकी टूवल है? क्या नाम है आपका? जाकिर। हाँ तेरा? मोहम्मद। हसन तेरा? मोहम्मद हकू। देखो हकू सर ने बेटा, इसका इसके इस बेटे का नाम है मोहम्मद हमजा, उसे अपना नाम ही भूल गया, जल्दी में बताना। गाइस इधर हम नहा ले, फिर मैं आपको मिलती हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ जी गाइस, आज बहुत गर्मी थी, अब सारे बच्चे साथ आए हैं, कहने की भूत बंगला बाद में जाएंगे, पहले टूवल नजर आया, टूवल पे नहाना है, ये सब नहा रहे हैं और मैं बच्चों को भी नहला रही हूँ, साथ साथ मैं खुद भी नहाऊंगी। मिलती हूँ आपको छोटी सी ब्रेक के बाद, जैसे पहुंचेंगे हम भूत बंगले पे। अरे विवाद, इधर मैं आ चुकी हूँ, अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। ये गेट भी बंद पड़ा है और अंदर रूम भी बंद है, लेकिन इधर का मैंने सुनने में आया है कि यहाँ का गार्ड भी है, दिन रात पहरे पे रहता है और इस टाइम मौजूदा खड़ा है, लेकिन जैसे भी मैं अंदर जाती हूँ एंट्री करूँगी उनसे पूछने के, लेकिन कहते हैं आपको पता तो है कि गाँव के लोग कैसे होते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि पहले कहने लगे हैं कि हमारे इधर काफ़ी नुकसान हो चुका है, आप अंदर ना हो। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अंदर जाने की, उनसे पूछने की, लेकिन फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बच्चे अंदर गए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने उन्हें मना कर दिया। मैं आप जाके पूछती हूँ उनसे क्या करते, फिर मैं आपको अंदर से थोड़ा सा व्यू दिखाऊँगी और जल्दी फटाफट मैं बाहर आऊँगी। फिर ये साथ ही पड़ा है दरिया और फिर ये दरिया पर चलेंगे, ये सामने पड़ा है दरिया जनाब, ये रेलवे की पटरी है। ये देख रहे हो दरख्त, ये संभल का दरख्त है, बहुत ही बड़ा नज़र आ रहा है आपको, ये बहुत पुराना ही दरख्त है, नज़र आ रहा है आपको। और ये पता नहीं किस चीज़ के दरख्त हैं, ये भाई रक्षे के पास पता नहीं कौन है, अल्लाह खैर करे, हमारे अपने ही होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ भाई, हमारे रक्षे को चोर पड़ गए, चोर पड़ गए, चोर पड़ गए। ओए किधर लेके जा रहे हो? ये देखो ये इसकी पुराने स्टेप हैं सीढ़ियों के, यहाँ से रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है,
यहाँ पे बकरी अब रुकी हुई है। बकरी है मैं बकरी कैसे ये देखो सांस ले रही है तेज तेज, गर्मी बहुत है यहाँ। और ये बकरियाँ यहाँ बाहर बैठे हैं, बकरियाँ वाले बैठे हैं, आजड़ी बैठे हैं यहाँ पे, और बकरियाँ अब यहाँ पे सकून कर रही हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, एक पहर हो रहा है दिन में और 12 बज चुके हैं तकरीबन। यहाँ पे सब बकरियों वाले बैठे हैं और बकरियाँ भी बैठी हैं यहाँ। और ये यहाँ का ना काफ़ी पुराना है, तकरीबन 100 साल से ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं है। लेकिन मैं देखती हूँ अगर कोई नाम निशान नज़र आ रहा है लिखा हुआ तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है और क्या नहीं, क्योंकि ये पटड़ी पड़ी है, क्योंकि आगे दरख्त भी गिरा हुआ है। ये अब बंद है। अब जहाँ से मैं गुजरी थी ना उस साइड से, तो बताया था मैंने, कहा मैं हम यहाँ से गुजर रहे हैं, ये वही घूम के आ रही है, हम इतने दूर आए हैं। तो नीचे देख के चलो बेटो, बच्चों देख के चलो नीचे। और कुछ लिखा हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी पुराना है। और मज़ीद पता नहीं, दो हैं यहाँ पे आके ट्रेन रुकती थी, और अब तो काफ़ी इधर साथ साथ पे ना सारा दरख्त ही बन गए हैं। ये देखो दरख्त, ये काफ़ी बड़े पेड़ बन गए हैं, काफ़ी बड़े पेड़। और यहाँ पे ना साइड पे ना ये दरख्त गिरा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। और पता नहीं ये इनका किचन खाना था, पता नहीं क्या था, अल्लाह जाने इधर कोई रिहाइश करता है नहीं करता, खुदा बेहतर जाने। लेकिन अजीब सा खौफ आता है मुझे, ये देखो होई होई अंदर नहीं जाना, मैं आपको दिखाऊंगी तो सही, लेकिन अजीब सा मुझे डर लगता है। ये देखो इधर लॉक लगा हुआ है, लगता है यहाँ पे रिहाइश है। आओ इधर आओ नेहा। और यहाँ अंदर बंद है, वाकई बंद है, सफाई हुई पड़ी है। आओ हैं ना, जाओ अंदर। और ये काफ़ी पुराना है, इस साइड पे भी पता नहीं क्या चीज़ें हैं। चलो खैर छोड़ो। और यहाँ आके पटरी का, ट्रेन का एंड होता है यहाँ पे, ये लगा हुआ है इसका ना, ये देख रहे हो। और आगे ना सब कुछ ख़त्म है, इधर काफ़ी पत्थर पड़े हैं। और बाहर से सारा व्यू मैं आपको दिखा के आई हूँ। यहाँ से चलते हैं, आगे नलका है पानी वाला, और वहाँ से मैं अपने पाँव वाश करूँगी, फिर उसके बाद जैसे भी पाँव वाश कर लेंगे हम जाएंगे बाहर। और यकीन करो इसका ना, मुझे ना इस भूतिया बंगले का और हकीकत में मानना है। और वाकई पता नहीं, अब तो खुदा बेहतर जाने, लेकिन यहाँ वाकई वाक्या हुआ था। यहाँ से घर देखो मुझे कैसे काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है नज़र, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो कैसे मज़े का नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, है ना। इस्लामाबाद में भी ऐसे घर होते हैं, है ना। और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं आपको तीन बंदे दिखाती हूँ, ये दरिया के अंदर घुसे हुए हैं और ये बदतमीजियाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो देखो हाथ हिला रहे हैं। और उसके बाद नज़र आए आपको, वो देखो नज़र आ गए होंगे आपको। और उसके बाद मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मैं अंदर से आपको घुमा के आई तो हूँ, दिखाया तो है, लेकिन रूम बंद थे, लॉक लगा हुआ था, वो अंदर से मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो ये दरिया में छुपके से बैठ गए हैं, ये खुद ही मकर कर रहे हैं, वो पड़े हैं तीन, ये देखो कितने मकर कर रहे हैं, ये देखो, ये कह रहे हैं कि हम डूब गए हैं, डूब गए, डूबने वाले इनकी शक्लें नहीं हैं। तो वाकई इतना इतना गहरा है पानी, शायद ना भी हो, खुदा बेहतर जाने कितने गंदे पानी में गलीज इंसान घुसे हुए हैं, हाय हाय गंदा पानी है। उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ, आपको मैं मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, दुआओं में याद रखना, और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में ज़रूर लिंक शेयर करना। और आपकी प्यार भर मोहब्बत मीठी चाहिए, मोहब्बतें चाहिए। और जाते जाते मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।